हर कदम पर समस्याएं परिस्थितियां आएंगी, लेकिन वो परिस्थिति को अगर हम पॉजिटिव वे में लेते हैं तो चौकस हमारी जो समस्याएं आदि खत्म हो जाएंगी। लेकिन हम उसको नकारात्मक दिशा में लेते हैं, जैसे हम आपको उदाहरण देते हैं कि जो मित्र है अपने एक मित्र के वहाँ जाते हैं मिलने के लिए, अगर वो मित्र घर पे नहीं मिलता है तो क्या करता है? बहन जी जो होती है वो मित्र की वाइफ है, होती है, वो कहती है कि आप बहुत दिनों से आए हैं, कम से कम आप चाय पीके जाओ। हाँ, वो बहन ऐसा मानती है कि कोई पूरा कप घर के चाय नहीं पीते हैं, और अहमदाबाद में तो आप जानते हैं कि आधी अहमदाबाद चाय कैसी होती है, आधा कप ही होती है, तो उसने आधे आधे कप दोनों को दिए पीने के लिए। तो एक जो मित्र होता है वो ऐसा सोच के पीता है कि ये जो है ना कंजूस मारवाड़ी है, उसने चाय भी पिलाई तो इतनी आधा कप, उसमें क्या मुँह बिगाड़ने का, तो दुखी होकर के चाय पीता है। और दूसरा जो मित्र होता है वो प्रेम से मिलता है, वो समझता है अपना दोस्त घर पे नहीं है, लेकिन भाभी जी कितनी अच्छी है कि बिना चाय के वो जाने नहीं देती। परिस्थिति एक ही है, लेकिन दोनों में एक ने दुख महसूस किया और एक ने खुशी महसूस की। तो मतलब हर परिस्थिति को हम इस प्रकार लेते हैं, इस प्रकार हमारे अंदर शांति और सुख की अनुभूति होती है। इसलिए अगर पॉजिटिव वे में अगर हम परिस्थिति को लेते हैं तो वो परिस्थिति हमें सुख देती है, हमें शांति देती है। अगर नकारात्मक रीति से लेते हैं तो परिस्थिति हमें सुख नहीं देगी। तो इस प्रकार कोई भी परिस्थिति आती है तो कहते हैं कि ये जो पृथ्वी है ये ड्रामा है, स्टेज है, जिसके ऊपर हर आत्मा एक्टर है, हर एक अपना अपना पार्ट बजाता है। हाँ, जैसे कोई नाटक होता है तो नाटक में भले अमिताभ बच्चन है हीरो है, लेकिन वो भिखारी का भी रोल करता है। हाँ, कई बार भिखारी का रोल करता है, कभी हीरो का रोल करता है, कभी वो मोची का रोल करता है, लेकिन वो समझता है कि मैं मोची हूँ, वो समझता है, वो तो अंदर से ऐसा समझता है कि मैं तो ये नाटक है और उसमें मेरा रोल अदा हो रहा है। तो इस प्रकार ये सृष्टि भी एक नाटक है, ड्रामा कहते हैं, जिसमें हर आत्मा का अपना अपना रोल है। किसी को सुख देने का रोल है, किसी को दुख देने का रोल है, किसी को रोने का रोल है। लेकिन कैसा भी किसी का भी रोल हो, मेरा जो रोल है वो श्रेष्ठ होना चाहिए, और वो रोल है सबको सुख देने का। अपनी शांति का त्याग करके भी हमें दूसरों को शांति देनी है, अपना सुख का भी त्याग करके हमें दूसरों को सुख देना है। जब हम अपना सेक्रीफाइस करेंगे तो हमारी शांति और बढ़ेगी, हमारा सुख और बढ़ेगा। क्योंकि आप अनुभव करके देखना, किसी को सुख देकर के आप जब उसका सुख देखते हो ना तो अपने अंदर संतोष आता है, अपने अंदर सुख का अनुभव होता है जो हम पहले नहीं अनुभव किया है। किसी को शांति देकर के आप जो शांति की फीलिंग करेंगे वो और ही ज्यादा शांति की फीलिंग करेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें थी कि शांति को कैसे बढ़ाई जाए। तो इस प्रकार ये बात यहाँ है शहर की, अरे पूरे शहर में कैसे शांति फीलिंग हो। तो इन शॉर्ट हर एक व्यक्ति की ये जिम्मेवारी होती है। पहले शांति की शुरुआत कहाँ से होगी? मेरे से, मुझे ही शांत रहना है किसी भी हाल में, मुझे अपनी शांति को बनाए रखना है, मैं मेरे परिवार में शांति बनाए रखूंगा। अगर हर एक व्यक्ति यह सोचता है तो एक परिवार, दूसरा परिवार, एक मोहल्ला, दूसरा मोहल्ला, ऐसे करके करके पूरा शहर में शांति आसानी से होती है। लेकिन हर एक व्यक्ति को ये समझना है कि मुझे शांत रह करके सबको शांति में रखना है। और शांति ऐसी चीज है कि आप देखोगे कि फटाफट आपकी प्रोग्रेस, आपके बच्चों की प्रोग्रेस ऐसी होंगी कि आप सोच नहीं पाएंगे कि सच में शांति से कितनी प्रोग्रेस होती है। तो ये हम आते हैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से, और ये शांति का तो हमारा क्या कहते सिंबल है, हमारा ओम शांति हमारा सूत्र ही है। ओम शांति का अर्थ ही है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांति के सागर अल्लाह की संतान हूँ, और उस देश में, शांति के देश में रहने वाली मैं आत्मा, ज्योति स्वरूप आत्मा। तो ये अल्लाह का भी एक मैसेज मैं आपको सुना करके
फिर मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। ओम शांति। ये अभी अभी मुझे यहाँ से ही मिला है, लेकिन है ये भ्रमण कुमारी विद्यालय का। अल्लाह तला, ये उर्दू में इसलिए आप खास करके मैं पढ़ रहा हूँ। अल्लाह तला वो आजान कबूल किया, सारे जहान कब्र जाति अर्थात विकारों के वसीभूत होकर मृत प्राय इंसान हो जाएंगी। हर्ष ए आनंद से आकर कब्र जाति रूहों को जगाऊंगा और अपने वतन ले जाऊंगा। रूहे आला दारुल अमन फर्श में आकर हसरत आदम के जिस्म को आला जरिया बनाकर खुद का तथा रूहों का परिचय देते हैं। रूहों को रूहानी इलम देकर जन्नत का सहनशाह बनाते हैं। परवरदिगार कहते हैं, तुम खुद को नहीं जानते तो मुझ खुदा को कैसे जानोगे। खुदा खुद आकर अपना तथा रूहों का परिचय देते हैं, साथ साथ तमाम रूहानी इलम की तालीम देते हैं। जिस इलम से जन्नत का कयाम और दोजख का खात्मा होता है। रूह आला कहते हैं कि मैं ही तमाम रूहों का रूहानी बाप हूँ। मेरा असली नाम रहे मान, आप रूहों को मेरी असली पहचान नहीं होने के कारण मुझे अलग अलग नामों तथा अलग अलग रूपों में इबादत करते हो। मेरा स्वरूप इतना नमूदा है जो कि इंसानी आंखें देखने से कासिर है। मैं नमूदाए नूर हूँ, लेकिन मैं अमन का सागर हूँ, पाकीजगी का सागर हूँ, इलम का सागर हूँ, अकाल और महाकाल हूँ, तमाम कमों से छुड़ाने वाला हूँ। मेरा वतन अर्श ए आजम है, जो कि सूरज चांद सितारों से भी बहुत दूर है, फरिश्तों की दुनिया से भी पार है। वो जगह रूहानी नूर से भरपूर है। आप तमाम रूहों का नहीं असली वतन है, वो ही दारुल अमन है। तुम रूहें भी मुझ जैसे ही नुकताए नूर हो। तुम्हारी दुनिया करियर अमन पसंद, पाकीजगी पसंद, मोहब्बत पसंद एक रूहाना नूरानी तपींदा नूर है, जो कि जिस्मानी आंखों से नजर नहीं आता। तुम रूहें भी गैर खानी अजली अवली एक हकीकत हो। शरीर तो रूह की सदरी है, रूह की जिम्मेदार ताकत है जो जिस्म के पैसानी में बैठी हुई है। जिस्म ही रूह के कर्म करने का आला जरिया है। तुम रूहे दुरानी आजी में आकर और एक जिस्म का चोला धारण कर अपना अपना पाठ बजाती हो। रूह के तीन हिस्से होते हैं, कुबई के मुद्दा है लहा, कुबई के तकल्ला या कुबई के फैसला, तीसरा तासुर और आमान नामा संस्कार। रूह के लंबे अरसे से जिस्म में रहने तथा शैतान के गुमराही में आने की वजह से रूह अपनी कसूसियात को खोने लगती है तथा रूहे आला के तुर्ग में आकर ही रूह अपनी खोई हुई सलाहियतों तथा कसूसियात को पुनः हासिल करती है। रूहानी बाप हिदायतें देते हैं कि शैतान ही तुम रूहों का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो तुम्हें फसाद में डरवा देता है। शैतान के नजारे इस प्रकार है, नफसानी ख्वाहिश अर्थात काम, गुस्सा, लालच, लगाव, गरूर अर्थात अहंकार, नफरत वगैरह वगैरह। रूहे आला कहते हैं, मेरे रूहानी बच्चों, अब दुनियाई आरजी का नाटक पूरा होने वाला है। अब जिस्म को यही छोड़ अपने वतन में लौटना है। मैं तुम सब रूहों को अपने साथ वतन में अर्श आजम में ले जाऊंगा, फिर तुम्हें वरिष्ठ में सहनशाह बनकर आना है। उसके लिए मैं रूहों आला रूहानी इलम की तालीम दे रहा हूँ। तमाम मुल्कों में मैंने रूहानी मदरसे खोल दिए हैं, वहाँ की तालीम से ही तुम जन्नत के बादशाह बन सकते हो। इस रूहानी इलम के लिए बुनियादी तालीम की भी आवश्यकता नहीं होती, ना ही उम्र का बंधन। यहाँ मियाँ बीवी बच्चे सभी के लिए एक ही इलम है तथा एक ही रूहानी मदरसा है। यहाँ वक्त की पाबंदी भी नहीं है और ना ही किसी प्रकार की फीस लगती है, क्योंकि रूहों का अपार ज्ञान ही इलमदार है। मेरे तमाम रूहानी भाइयों एवं बहनों,
इस रूहानी निगम की तालीम लेकर रहमाने के करीम परवरदिगार रब अल्लाह का दीदार करने तथा जन्नत का बादशाह बनने के लिए आप सभी लोगों को डिग्री दावत है। अभी नहीं तो कभी नहीं। ओम शांति। आपने मुझे शांति से सुना, इसलिए आप सबका खूब खूब धन्यवाद। और जिन ऑर्गेनाइजरों ने मुझे यहाँ बुला करके ये मुझे चांस दिया, तो उन सबका भी मैं खूब खूब दिल से धन्यवाद करता हूँ।